ऑपरेशन हो चुका है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, अब हम लोग सोने जा रहे हैं, प्लीज माफ करना। और सो हे गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग सब? होप सब घर में ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइज, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और फिर से आज मैं फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज दोपहर से स्टार्ट करेंगे। सो मेरी मम्मी देखो, पहले से मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही। क्या बना रही मम्मी, बोलो ना। रोटी बना रही। बोलो इधर, बोलो। रोटी बना रही। रोटी क्या रोटी बनाते हैं? दाल की रोटी बनाते हैं। मेरी मम्मी थोड़ा शर्माती है। सो अभी लंच करेंगे, तो देखते हैं लंच में आज क्या क्या है। ठीक है गाइस, बाय। गाइस मेरी मम्मी थोड़ी शर्मीली है, देखो क्या बना रहे। मम्मी क्या बना रहे तुम? दाल की रोटी बना रहे। ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? ये दाल है। दाल है। सब लोगों को सलाम करो। सलाम। इधर देखो तो सही। सबको बोलो ना सलाम अलैकुम। बोलो कैसे हो? कैसे हो? ये मम्मी बहुत शर्माते हैं। सो टू बी कंटिन्यू और आगे देखो आप लोग, ठीक है? सो एवरीवन, आज का ये ब्लॉग कुछ खास है क्योंकि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड नीलम चौधरी, नीलू का आज जन्मदिन है। तो आज मैं उसे मिलने के लिए जा रही हूँ और आज केक कटिंग करेंगे और मैं आपको उससे मिलाऊँगी। तो आप लोग देखना, वो मेरी बहुत ही खास और मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड है और नीलम चौधरी नाम है उसका। तो आप लोग मिलेंगे, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत दिल की नेक साफ लड़की है और मुझे बहुत पसंद है, हमेशा मुझे सपोर्टिव रही है। तो आज मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगी। स्टे ट्यून। गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर से और मैं अभी जाऊँगी केक शॉप पे मेरी फ्रेंड के लिए केक लेने के लिए। और वो मेरी फेवरेट केक शॉप है, आज आपको मैं बताऊँगी मेरी फेवरेट केक शॉप कौन सी है और मुमरा में है वो, बहुत ही मेरी फेवरेट है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, ठीक है? अब मेरे साथ जुड़ना। मेरी रिक्शा आ चुकी है, अभी मैं रिक्शा में बैठूँगी। चल सो गाइज, मैं आ चुकी केक की शॉप के ऊपर और मैं मिलने वाली हूँ अभी आसिफा बाजी से। और मेरे आसिफा बाजी देखो, देखो मेरे लिए वेलकम के लिए देखो आसिफा क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आसिफा बाजी, थैंक यू सो मच। ये आसिफा बाजी, ये काका नगर में रहते हैं और इनका बॉन बॉन करके केक शॉप है जो बहुत ही फेमस है मुमरा में। तो मैं आ गई मेरी फ्रेंड नीलू के बर्थडे पर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी नीलू मेरी फ्रेंड के बर्थडे के केक के लिए मैं आ चुकी हूँ आसिफा बाजी के पास। सो देखिए कैसा केक बनाया, ठीक है गाइस? ये नीलू का बर्थडे केक, यूट्यूब का मेरा ब्लॉग चालू है ना। हाँ तो नीलू NILU नीलू का नाम बोल रहे हैं क्योंकि आसिफा बाजी भी नीलू को विश कर रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू नीलू। नीलू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी बहुत साल पुरानी एक ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो ही एक है। तो मेरी तरफ से बॉनबॉन की तरफ से आपको मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू। बात अभी मैं जा रही हूँ, आसिफा बाजी ने मुझे केक भी दिया है और ये केक शॉप है काका नगर में मुमरा में और उन्होंने वापस आना है। ओके और चीट डे तो इंशाल्लाह अभी चीट डे कभी रहेगा पता है? आशुरी के दिन रहेगा, आशुरी के दिन रहेगा 10 तारीख को। हाँ उस दिन रहेगा, तभी आऊँगी मैं शॉप पे केक खाने के लिए। बाय। चलो आगे हम कंटिन्यू करते, ठीक है गाइस? मैं निकल चुकी हूँ आसिफा बाजी के केक शॉप से और अभी आज चीट डे भी है, मतलब जैसे मैं महीने में एक बार मीठा वगैरह खा लेती, तो आज मैं अपनी फेवरेट मिठाई भी खाने जा रही हूँ। उसका नाम है बकलावा और ये मुमरा में अजवा स्वीट्स के पास मिलती है, तो वो खास मैं खाने के लिए जा रही हूँ। तो मैं
बताऊंगी वो खाते हैं आप लोगों को ये आप लोगों को दे तो नहीं सकती लेकिन आपको दिखाऊंगी ज़रूर। एक तो थोड़ी एक्सपेंसिव टाइप की मिठाई होती है जो बहुत कम जगह पे अवेलेबल होती है, तो अभी यहाँ पर मिलेगी तो अभी मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। कुनाफा ये सब यूनी मिठाइयों के नाम है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा और बहुत से लोगों को पता भी है कि ये बहुत ही अच्छी किस्म की मिठाइयाँ होती है और मैंने ली भी है और अभी ऑटो में हूँ, अभी जा रही हूँ के पास में, इतने कुछ खाया नहीं है तो आज जैसे भी मेरा चीट डे भी है तो पहले हम लोग शाम को लंच करेंगे शायद, मैंने भी घर पे कुछ खाई नहीं हूँ तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम दोपहर में थाली खाएंगे बट नीलू काफ़ी लेट हो गई वो वहीं रही है। अभी मैं दुबियाना मॉल पहुँचने वाली हूँ लेकिन हमें लंच करना बाकी है तो हम लोग अभी इतना लेट लंच करेंगे गाइस। तो ठीक है नीलू से मिलती हूँ वैसे मैं आपको बता दी, ठीक है स्टे ट्यून्ड रहना। मेरी फ्रेंड नीलू आ चुकी है विवियाना मॉल के अंदर और आज इसका जन्मदिन है। सो जीजी आज क्या स्पेशल है? आज स्पेशल है थाली खाने वाले हैं। थाली खाने यही है वो मेरी फ्रेंड बरसों पुरानी बहुत ज़्यादा पुरानी है आप लोग इसको देख सकते हो, इसने भी येल्लो पहना है मैंने भी येल्लो पहना है। अभी हम लोग थाली खाने जा रहे हैं तो आप लोग लगे रहना और हमें देखना हम लोग कैसे खाते हैं। सो गाइस अभी नीलू ने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया जीजी? सेव पूरी, क्योंकि हमारी राजस्थानी थाली 7 बजे खुलेगी तो हम लोग यहाँ विवियाना मॉल के अंदर में ऑर्डर किए सेव पूरी, थोड़ा हल्की सी भूख मिटने के लिए क्योंकि सुबह से ना इसने कुछ खाया है ना मैंने कुछ खाया है तो अभी सेव पूरी आई है। देखो कैसे चाट रही है ये, छी 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 छी, देखो भूख से हमारे देखो मेरी बच्चे की हालत ख़राब होगी बढ़ती जल रही है, कभी थोड़ी देर में सेव पूरी आएगी फिर हम खाएँगे कि राजस्थानी थाली भी खाने बहुत सारा खाना क्योंकि चीटे भी उतना पूरी बहन को बढ़ रही है बहुत इंजॉय जी। तो गाइस हम लोग राजस्थानी थाली खाने के लिए आए पर ये क्लोज है और ये खुलेगा 7 बजे और हम लोग पिछले 1 घंटे से वेट कर रहे हैं और ये अभी तक खुला नहीं है और इतनी भूख लग रही है। हमने थोड़े सा अपना भूख मिटाने के लिए सेवपूरी खा लिया था, वो भी 3-6 पीस में से नीनू ने 3 खाया मैंने 3 खाई और अभी देखो ये अभी तक क्लोज है और इतनी भूख लग रही है कि आप बात करें तो महीने में 1 बार चीट ही आता है और जीजी का बर्थडे है नीलू का और ये थाली का देखो ना खुला नहीं है। अभी मैं क्या करूँ कितना टेंशन हो रहा है, अभी लंच करना और ये शाम का देखो शाम हो गई अभी तक खुला नहीं है। अभी देखो अभी 7 बजे खुलेगा, मैं बहुत भूखी हूँ। क्योंकि अभी हमको केक कटिंग करना है गाइस, आपको पता है इतना खाना खाया पूरा पेट फुल हो गया है, ऐसा लगे सो जाओ बट मुझे सोना नहीं है क्योंकि कल शूट है तो अभी जितना खाया है उसे बर्न करना पड़ेगा, बहुत सारा जिम करना है, इतना पेट में भर गया है, अरे बाप रे चला नहीं जा रहा है, ख़त्म आप बाबा। गाइस ये देखो ये नीलू के घर में ये लियो है
और ये बहुत ही प्यारा है लियो 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 लियो। मैंने बहुत खाना खाया ना, इसलिए थोड़ा सा लेट गई हूँ मैं। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, अभी केक भी खाना है। क्या क्या खाना है, क्या करूँ मैं। सो गाइस, नीलू के जन्मदिन पर, ये है नीलू की लड़की, यानी मेरी लड़की, और ये पॉपी, और ये नीलू का ये लड़का। और इसने खास एक गिफ्ट लाया है, तो इसका गिफ्ट पहले देते, लियो का गिफ्ट दिखाओ पहले क्या है। ये रहा लियो की तरफ से गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वाह, देखो ये असली प्यार गिफ्ट। और अब परी का गिफ्ट लाई है, वो खोलो खोलो। पढ़ने जल्दी। टू द बेस्ट पर्सन आई नो हूज ऑलवेज देयर फॉर मी, हैप्पी बर्थडे मोमा। हाँ, कन्या पढ़ चल गई इंग्लिश बोल। खोलना, देख क्या लाए बच्चे हैं। खोलना। मम्मी करनी चाहिए। कैक्टस से बोल रहा हूँ। अरे ये तो वो है दीदी। अच्छा ये शोपीस है ना। वाओ वाओ, अमेजिंग गिफ्ट। तो लाया। अभी केक कटिंग का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, चलो केक काटते हैं। ठीक है, केक कटिंग होने जा रहा है। ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तो क्या हो गया, पॉसिबल है? सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू नीलू, हैप्पी बर्थडे। जल्दी केक काटना रे। Happy birthday, happy birthday Nilu. Wow, amazing, amazing personality. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Nilu. Guys, बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। प्लीज़ माफ़ करना और कमेंट बॉक्स में बताना बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा था। नीलू बाय, कल मिलते, कल नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, बाय दोस्तों।